राजस्थान में भीषण सड़क हादसा हो गया। करणी माता के दर्शन कर लौट रहे मध्यप्रदेश के 12 लोगों की मौत हो गई। नोखा बाईपास पर एक तूफान जीप और ट्रैक्टर के बीच भीषण टक्कर हुई। इसके बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सभी मृतक मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के घटिया पुलिस स्टेशन के गाँव सज्जन खेड़ा व दौलतपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। केंद्र व राज्य सरकार मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देगी। राजस्थान में नागौर स्थित श्री बालाजी के पास मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसे में मध्यप्रदेश के 12 लोगों की मौत हो गई है। 6 की हालत गंभीर है। इनमें 6 महिलाएं और 2 पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे के बाद 2 महिलाएं और 1 पुरुष को बीकानेर रेफर किया गया था, जिनकी रास्ते में ही मौत हो गई। 1 पुरुष की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम राहत कोष से हादसे में जान गंवाने वालों के पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए की, घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रदेश सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने और घायलों का इलाज कराने का ऐलान किया है।